वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंकिंग सेक्टर इन जनरल की अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर होगा जो आने वाले समय में रेट कट्स होंगे। एंड पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के जो बैड डेट्स हैं उसको वेव ऑफ कर दिया गया था कुछ समय पहले, जो ये न्यूज़ आई थी। एंड उसके बाद से पंजाब नेशनल बैंक में एक टर्न अराउंड भी हमें देखने को मिला। अगर हम लोग रेवेन्यू फिगर्स की बात करें तो वो 19,000 करोड़ से बढ़ के 25,000 करोड़ तक देखने को मिले। एग्जैक्ट फिगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो -10% से -5% पे देखने को मिला। एक अच्छी फॉल देखने को मिली यहाँ पे, मतलब एक इम्प्रूवमेंट है। एंड क्यों फाइनेंसिंग मार्जिन कई बार नेगेटिव में चला जाता है उस पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर जल्द आ जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वो 271 करोड़ से बढ़ के 1360 करोड़ तक जाता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा रीजन है अदर इनकम। एंड देखिए, अदर इनकम जिस तरीके से बढ़ी है यहाँ पे, ब्रेकअप ऑल दो आप पूरा देख पा रहे हैं। लास्ट टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव में था। अदर इनकम कंपोनेंट बैंक्स में रहता ही है क्योंकि अदर बैंकिंग सर्विसेज को भी इस इनकम के अंदर जो कई बार हमने देखा डाल देते हैं, तो जिस वजह से अल्टीमेटली होता क्या है कि अब जो है अदर बैंकिंग सर्विसेज एक मेजर पार्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे बैंकिंग इंडस्ट्री का। आज से पहले अगर आप देखेंगे तो इतना मेजर कंपोनेंट नहीं था, बट आज हर किसी को डिमांड है। क्रेडिट कार्ड्स कह लीजिए, इसके अलावा जो इतनी सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, अब तो डीमैट अकाउंट्स भी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, तो वो एक फैक्टर जो है आपको यहाँ पे फैक्टर इन करना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एंजल वन पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और वहां स्टॉक्स बाय करना है कितना आसान। प्लीज इस स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पसेस ओनली। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे एंजल वन के ऐप पर और हम लोग सर्च करेंगे एचडीएफसी बैंक को। इसके बाद में हमारे पास में डेटा आएगा एचडीएफसी बैंक का और हम लोग यहां पे जाएंगे बाय पे। बाय पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने लिए एक बेटर प्राइस थ्रू लिमिट ऑर्डर एंड हम लोग बाय की बिड लगाकर यहां पर इसे छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको पसंद आया तो। एंड फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।